तो आज के क्लास के लिए रेडी होते हैं, ठीक है। आज के इस क्लास में हम दोनों चीजों की बात करेंगे, एक लिब्रा ऑफिस कैल्क और दूसरा एक्सेल, दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे और साथ ही साथ ओपन ऑफिस कैल्क भी देखेंगे, ठीक है। तो हम एक्सेल को पहले ओपन कर लेते हैं और सेम डेटा हम ओपन ऑफिस कैल्क पर और लिब्रा कैल्क पर भी यही काम आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ओपन ऑफिस कैल्क डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, कैसे होगा उसको देखेंगे। पहले एक्सेल ओपन करते हैं, तो यहां से चलते हैं, क्लिक करते हैं, ये स्टार्ट बटन है और यहां पर क्लिक करके एक्सेल यहां पे सर्च कर लेते हैं। तो ये देखिए एक्सेल आ गया है। अब ये 2007 है, आप 2007 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अच्छा है 2021 यूज किया जाए। 21 पे काफी सारे अपग्रेडेड चीजें मिल जाती हैं, कुछ नए फंक्शंस भी हमें मिल जाते हैं, ठीक है। यहां पर ये देख सकते हैं, यहां पर नीचे जूमिंग दिया है, ये देखिए ये जूमिंग है, ठीक है। तो देखिए मैक्सिमम जूमिंग जो होती है एक्सेल में 400 की होती है, कितनी है 400%। इसके बाद आप कर रहे हैं तो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो मैक्सिमम जूमिंग 400% और मिनिमम जूमिंग भी पूछा जाता है, तो मिनिमम जूमिंग कितनी है 10%। तो मैक्सिमम और मिनिमम को जान लेने के बाद अब हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है हम पूरा का पूरा होम टैब का डिस्क्रिप्शन सीखेंगे, ठीक है। पूरा होम टैब बता रहा हूं, पूरा होम टैब, ठीक है ना। अब यहां पर कुछ भी मैं लिख देता हूं, जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर टाइप कर देता हूं, इंस्टीट्यूट का नाम ही टाइप कर देता हूं, जैसे मां शारदा इंस्टीट्यूट INSTITUTE ऑफ टेक्नोलॉजी, यही है ना नाम। तो ये हमने टाइप कर दिया टेक्नोलॉजी, ये हो गया। अब एंटर कर देते हैं, तो जरा देखो ये जो टाइप किया है हमने मां शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये बाहर निकल रहा है, ये बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, निकल रहा है ना। अब इसी पर हम पूरा होम टैब देखेंगे, ठीक है। अब ये बाहर निकल रहा है तो आप इसको बड़ा कैसे करेंगे, ये साइज विथ कैसे बढ़ाएंगे, विथ माने होता है चौड़ाई, तो आप इस कॉलम की चौड़ाई कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब यही चीज जो है यहां पर देखिए, ओपन ऑफिस कैल्क भी मैं ओपन कर लेता हूं, इसमें भी सेम है। तो ये देखिए ये ओपन ऑफिस कैल्क है, ये भी स्प्रेडशीट है। एक्सेल कैसा सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट, कैसा है स्प्रेडशीट है। इसी तरीके का एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ये भी है जिसको कैल्क कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ये ओपन ऑफिस कैल्क सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब इसमें भी अगर हम कुछ लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए मैं अपना नाम ही टाइप कर देता हूं, तो ये हो गया नाम मेरा, और ये मैं टाइप करता हूं, तो ये बाहर जब निकलेगा तो इसको रिसाइज कैसे करेंगे। तो देखिए रिसाइज करने का जो मैनुअल वे है वो ये है कि आप यहां से जाइए और इसको ड्रैग कराइए। देखिए इसमें विथ कितनी है, ओपन ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट जो विथ है वो 2.31 सेंटीमीटर है, देखिए है ना। अब इसको अगर ड्रैग करके आप बड़ा कर देते हैं तो ये 3.42 हो गया है और ये अब रिसाइज हो गया। तो ऐसे रिसाइज कर सकते हैं, सेम यही काम आप एक्सेल में भी कर सकते हैं। तो देखिए ये एक्सेल है और यहां पर भी रिसाइज करने के लिए आप ऐसे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप शॉर्टकट की के थ्रू जाना चाहें तो मैंने आपको बताया था अल्ट एच ओ आई, तो इससे भी रिसाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों ही तरीकों से रिसाइज करना मैंने सिखाया। अब देखिए इसको मैं बोल्ड करता हूं, बोल्ड माने समझ रहे हैं गाढ़े में, तो थोड़ा और डार्क में ये दिखाई पड़ेगा, और कंट्रोल के साथ बी प्रेस करते हैं तो बोल्ड हो जाता है, ठीक है। कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करना है, बी, आपको बोल्ड वाला ऑप्शन यहां भी मिल जाता है, ठीक है। शॉर्टकट की के थ्रू करिए या यहां से करिए, तो यहां पे क्लिक कर देंगे तो फिर ये बोल्ड हट जाएगा, फिर यहां क्लिक कर देंगे तो ये बोल्ड लग जाएगा। इटैलिक से थोड़ा तिरछा हो जाता है, शॉर्टकट की होती है कंट्रोल आई, ठीक है। तो क्लिक करेंगे तो ये इटैलिक हो गया। अगर अंडरलाइन करना है तो यहां पे क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन भी हो जाएगा, यू पर क्लिक करने से अंडरलाइन हो जाता है, शॉर्टकट की कंट्रोल यू होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कुछ चीज यहां पे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहां पे लिख देता हूं कंप्यूटर, COMPUTER कुछ भी ऐसे लिख दिया, तो ये कंप्यूटर बहुत सिंपल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ये जिस तरीके से लिखा हुआ है उसी स्टाइल में ये भी आ जाए, तो यहां पर क्लिपबोर्ड आपको दिख रहा होगा, ये क्लिपबोर्ड दिख रहा है, तो क्लिपबोर्ड के अंदर ऑप्शन मिल जाता है आपको। कौन कौन सा ऑप्शन मिलता है, पहले तो ये फॉर्मेट प्रिंटर, ठीक है। फॉर्मेट प्रिंटर फॉर्मेट को कॉपी करता है, ध्यान दीजिएगा पूरा लिखा हुआ नहीं बदलेगा, सिर्फ फॉर्मेट ही कॉपी होगा। ये क्या है, ये कॉपी करने के लिए, सिंपली कॉपी करके इसको पेस्ट करेंगे तो यही चीज दूसरे जगह भी आ जाएगी। ये क्या है, कट करके, यानी यहां से हटा के कहीं दूसरे जगह ले जाना हो तो कट किया जाता है, लेकिन कॉपी करने और कट करने के सिचुएशन में हमें पेस्ट तो करना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इसको आप कट करते हैं, तो कट यहां पर क्लिक करके कर सकते हैं, या शॉर्टकट की भी है कंट्रोल एक्स, तो अगर मैं शॉर्टकट की प्रेस करता हूं कंट्रोल एक्स, तो ये कट हो गया यहां से। अब इसको कहां लेके जाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम इस सेल में लेके आना चाहते हैं, तो अब कंट्रोल भी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, या यहां पर पेस्ट का ऑप्शन है यहां पर भी क्लिक कर देंगे तो भी ये पेस्ट हो जाएगा, यानी यहां से हटके यहां आ गया। तो ये होता है कट और पेस्ट, ठीक है। शॉर्टकट की पता चल गई, कंट्रोल एक्स से कट होगा और कंट्रोल भी से पेस्ट होगा, ठीक है ना।
इसके बाद कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल सी। या तो आप यहां पे क्लिक कर दीजिए तो ये कॉपी हो गया। कॉपी होने का मतलब यहां पर तो रहेगा ही रहेगा, यहां पर भी आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा, तो कंट्रोल भी करने से ये पेस्ट हो जाएगा। इस बार शॉर्टकट की यूज कर लेता हूं, कंट्रोल भी। तो ये देखिए कॉपी करके चाहे जितनी जगह हो आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। यहां भी चाहिए यहां दे दीजिए, यहां भी चाहिए यहां दे दीजिए, तो कंट्रोल भी करता जा रहा हूं, ये पेस्ट होता जा रहा है। तो ये देख सकते हैं कि इसको कई जगह हम पेस्ट कर रहे हैं। जब यहां पर दो तीन बार क्लिक कर देंगे तो ये जो कट कॉपी वाला इफेक्ट है वो हट जाता है। अब आप जब पेस्ट करेंगे तो अब पेस्ट नहीं होगा। देखिए यहां पर अब पेस्ट नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजें ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा क्लिपबोर्ड है, ठीक है। अब इसमें हमें सीखना है फॉर्मेट पेंटर के बारे में। तो फॉर्मेट पेंटर फॉर्मेट को कॉपी करता है। तो फॉर्मेट ये जैसे तिरछे में लिखा हुआ है, अंडरलाइन है, बोल्ड में है, ये सब इफेक्ट इस पे भी आ जाएगा। अगर हम यहां पर जाते हैं और यहां पर फॉर्मेट को कॉपी करते हैं और इस पे क्लिक कर देते हैं तो ये इफेक्ट आ जाएगा यहां पर। देख सकते हैं ना, आ गया ये इफेक्ट, आ गया कि नहीं आ गया। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप इतने हिस्से पर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर लगाने की शॉर्टकट की मैंने बताई ही है आपको क्या होती है, क्या होता है, अल्ट एच बी ए प्रेस करेंगे तो सेलेक्टेड पार्ट पे बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। कंट्रोल जेड करते हैं, फिलहाल बॉर्डर अप्लाई नहीं करना। यहां से भी आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अलग अलग तरीके के बॉर्डर्स मिल जाते हैं। आप चाहे तो बॉर्डर को कलर भी कर सकते हैं, बॉर्डर को यहां से इरेज भी कर सकते हैं, ठीक है, और यहां पर कलर भी ले सकते हैं। जो कलर लेंगे उस हिसाब से बॉर्डर डिजाइन हो जाएगा। जैसे ये रेड कलर कर दिया हमने, अब ये रेड कलर ले लिया तो इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो बॉर्डर रेड कलर में हो जाएगा। देखिए ये क्लिक करते जा रहा हूं और ये रेड कलर का होता जा रहा है, जिधर का क्लिक कर रहा हूं उधर का बॉर्डर रेड कलर का हो गया। तो ये चारों तरफ का बॉर्डर रेड कलर का हो गया, देख रहे हैं। तो यहां से आप बॉर्डर का कलर, बॉर्डर की साइज, थिक बॉर्डर लगाना है, थिन लगाना है, कैसा लगाना है, ऑल बॉर्डर चाहिए या ड्रॉ करना चाहते हैं बॉर्डर, तो अगर आप ड्रॉ पे चले जाते हैं, जैसे देखिए यहां पर दिया गया है ड्रॉ बॉर्डर, देखो इधर ये दिया गया है ड्रॉ बॉर्डर, देखो नीचे आओ ये दिया है ना ड्रॉ बॉर्डर, इस पे क्लिक करोगे तो आप बॉर्डर को ड्रॉ कर सकते हो। यहां पर जाकर के बॉर्डर को ड्रॉ कर सकते हो, सिलेक्टेड हिस्से पर बॉर्डर ड्रॉ करोगे। तो यहां पर क्लिक किया, अब देखो ये आ गया ना, अब यहां से बॉर्डर को ड्रॉ करो, देखो ये उसी कलर में बॉर्डर ड्रॉ भी हो रहा है कि नहीं, ठीक है, ये हो गया। अब इस पे भी कर दो, 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 इस पे भी, जहां जहां करोगे ये बॉर्डर ड्रॉ होता जाएगा। अगर कलर चेंज करना है तो यहां से जाके चेंज कर लो, ठीक है, ये चेंज हो गया। अब यहां पर क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा, फिर यहां पे क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा, यहां पे क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा, यहां पे क्लिक करोगे तो ऐसे आ जाएगा। तो ये तरीका है, ठीक है ना, इस तरीके से आप बॉर्डर को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। आई बात समझ में, कोई दिक्कत हो तो इसमें बताइए, कोई दिक्कत है, ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, किसी भी शब्द का या किसी भी टेक्स्ट का साइज आपको बढ़ाना हो, ध्यान दीजिएगा क्या बढ़ाना है, साइज बढ़ाना है, ठीक है। तो साइज कैसे बढ़ाएंगे, तो साइज बढ़ाने के लिए आप उस वाले टेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए और क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं ये जो कैपिटल ए लिखा हुआ है यहां से आप साइज बढ़ा सकते हैं। हालांकि आप यहां से भी जा सकते हैं, ये देखिए यहां पर मिनिमम साइज 8 है और मैक्सिमम साइज 72 है, 72 है, देख सकते हैं ना। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, ये बाय डिफॉल्ट साइज है 8 मिनिमम और मैक्सिमम 72, लेकिन ये तो और बड़ा हो सकता है। अगर आप इस पे क्लिक करते जाएं तो ये और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता चला जाएगा और ये बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से हो गया है। और एक और शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, ठीक है, उससे भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आई बात। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है ना कंप्यूटर, ये किस साइड में है, लेफ्ट है कि राइट है, ये कंप्यूटर किस साइड है, लेफ्ट साइड है मूर्ख, तो ये लेफ्ट साइड में है। देखो ये लेफ्ट हाथ है ना, इधर वाला, इधर वाला हाथ तुम्हारा कौन सा है, ये हाथ कौन सा है, ये राइट है, लती यही वो करेंगे अभी दिमाग सही हो जाएगा, पर ये है तुम्हारा लेफ्ट साइड और इधर जाएगा तो राइट साइड होगा। तो यहां पर देखो अलाइनमेंट दिया है, तो ये लेफ्ट ऑलरेडी है, ये क्या है, सेंटर है, तो अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेंटर यानी बीच में चला जाएगा, ये क्या है, राइट है, तो इधर क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड में चला जाएगा, ठीक है। यहां पर क्लिक करोगे तो बीच में चला जाएगा, मिडिल अलाइन हो जाएगा, ठीक है, और अगर यहां पे करोगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट टॉप में अलाइन हो जाएगा, ऊपर की तरफ अलाइन हो जाएगा, ठीक है। इन सब का यूज करके देख लेना है प्रॉपरली, ठीक है ना। अब मान लो कुछ यहां पर लिखना चाह रहे हो, जैसे मान लो लिखना चाह रहे हो नेम, ध्यान देना यहां पर नेम लिखना चाह रहे हो और ये जो नेम है इसको स्टाइलिश लिखना चाहते हो, तो यहां पर आपको होम टैब में ऑप्शन मिल जाता है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, तो इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो ये स्टाइल बन जाएगी, ठीक है। अगर इसको चेंज करना चाहते हो तो यहां से ऐसे कर सकते हो,
या फिर यहाँ पे चेंज करोगे तो ऐसे भी कर सकते हो, अगर इसको और चेंज करोगे तो ऐसे भी जा सकते हो, या इसको और चेंज करोगे तो ऐसे भी जा सकते हो, या ऐसे भी हो सकता है इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर आओगे तो जैसे लिखना चाहो उस हिसाब से इंटेंड कर सकते हो इसको, ठीक है। तो इसमें देख लेना कैसे क्या करना है, फिल करना है तो फिल भी कर सकते हो, जैसे मान लो इसको मैंने फिल कर दिया, ओके कर दिया, तो ये इस कलर में फिल भी हो जाता है, ठीक है ना। यहां पर इस तरीके से आपको करना है। बाकी यहां पर मर्ज एंड सेंटर दिया गया है, और ये आपका डिक्रीज इंटेंट है और इंक्रीज इंटेंट है। इसका मतलब है अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये लेफ्ट की तरफ जाएगा, और अगर इस पे क्लिक करते हैं तो ये राइट की तरफ मूव होता चला जाएगा। देखिए ये राइट की तरफ मूव हो रहा है, लेकिन हम कंट्रोल जेड करते हैं ताकि हम पुरानी स्थिति में पहुंच जाएं। एक स्टेप पीछे जाना अनडू कहलाता है, इसे कंट्रोल जेड से करते हैं, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल जेड होती है। और एक स्टेप आगे जाना रेडो कहलाता है, और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल वाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको कर देना है, समझ में आया कि नहीं, ठीक है।